अगले पड़ाव की ओर भारत स्वाभिमान का अगला पड़ाव था हुगली जिले का तारकेश्वर, जहां भारत माता की जय घोष के साथ स्वामी जी का जोरदार स्वागत किया गया तथा कन्याओं ने तिलक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि एक अच्छी आदत पूरे जीवन को सुधार देती है। तारकेश्वर की ये पावनी धरती सब भाई बहन बहुत श्रद्धा से आए हैं। आज थोड़ी देर आपसे बात करके मुझे वो छोटी सी ही बातें कहनी है। एक बात, योग करने की आदत डालो। आदत, स्वभाव, नेचर, प्रकृति, जो हम बार बार करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? स्वभाव को क्या बोलते हैं आप लोग? स्वभाव, अभ्यास। अभ्यास करो, योग करने का अभ्यास। बस एक गलत आदत पड़ जाएगी तो पूरा जीवन नरक बन जाएगा, दुखी हो जाओगे, कलंकित हो जाओगे, अपमानित हो जाओगे। किसी को चोरी करने का आदत पड़ गया, नशा करने का आदत पड़ गया, कोई दुराचार व्यभिचार, कोई भी गलत आदत पड़ गया ना, तो पूरा जीवन कलंकित हो जाता है। और एक अच्छी आदत पड़ जाए, स्वाध्याय करने की, योग करने की, यज्ञ करने की, पुरुषार्थ करने की, एक अच्छी आदत से अपना जीवन, अपना घर परिवार, समाज और राष्ट्र स्वर्ग बन जाएगा। और एक बुरी आदत से, एक बुरे अभ्यास से अपना और देश का ये सब वातावरण खराब हो जाएगा, नरक बन जाएगा। तो आज एक संकल्प लेके जाएंगे, कल सुबह से योग करने की आदत डालेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा, महायोगी श्री अरविंद ने यही कहा, महर्षिदानंद ने, गौतम कपकाजम्र महर्षि पाणिनि पतंजलि सब ऋषि मुनियों ने यही कहा। आत्मावारी तृष्ठभ्यश्रोत ब्रह्मंतव्यधिध्यासित भय, खुद के बारे में जानो, स्वयं को पहचानो। तुम एक इंसान नहीं हो, तुम्हारे भीतर स्वयं भगवान है और ये सारी सृष्टि भी उसी भगवान का रूप है। मेरे से एक बोला, बाबा जी आपको भगवान मिल गया? मैंने कहा, कहां मिला? मैंने कहा, तेरे अंदर ही मिले। सबके अंदर ही अपना भगवान है, ऐसा पेड़ पौधों में भी भगवान है। देखो कितनी सुंदर सुंदर है ये, इस सब के अंदर आपको भगवान नहीं दिखता? ऐसे बिना बनाए कोई चीज बन जाती है? इन पेड़ पौधों में भी भगवान है, सूरज में भी, चांद में भी, धरती में भी, बेटा में भी, बेटी में भी, पति में भी, मां में भी, पिता में भी, सब भगवान के रूप है। मां बन के, पिता बन के भगवान हमको जन्म देता है, गुरु बन के भगवान हमको ज्ञान देता है, बेटा बन के हमको प्यार करता है, हमारी ममता को जागृत करता है। खुद को पहचानो, खुद की शक्ति को पहचानो और अपनी शक्ति को जगाओ। खुद में शक्ति तो है, लेकिन उसको जागृत करना पड़ेगा, उसके लिए तप करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। कोई मैं लंबे चौड़े उपदेश नहीं देने आया हूं, भगवान ने जो तुम्हें दिया है उसी को बताने आया हूं। दिमाग दिया है तो दिमाग से काम लेना, अपना ज्ञान ऊंचा रखना, ऊंचा ज्ञान। हाथों में क्या है? कर्म, ऊंचा कर्म। और दिल क्या है? भावना, ऊंची भावना, ऊंचा कर्म और ऊंचा ज्ञान। शरीर में सबसे ऊपर भगवान ने क्या बनाया? शरीर में सबसे ऊपर क्या है? माथा बनाया, मस्तिष्क बनाया, इसमें क्या है? ज्ञान। तो जीवन में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? ज्ञान का। और दुनिया में जिनके पास ज्ञान है वही है महान, जिसके पास है ज्ञान वही है, बोलो, महान। तो सबका ज्ञान ऊंचा होना चाहिए,
सबका ज्ञान ऊंचा होगा तो व्यवहार भी अच्छा करेंगे, व्यापार भी अच्छा करेंगे, बच्चे पढ़ाई अच्छा करेंगे, किसान खेती अच्छा करेगा, कर्मचारी अधिकारी ठीक से काम करेगा। जिसका ज्ञान अच्छा होगा गाड़ी ठीक से अच्छा चलाएगा ड्राइवर। सब जगह ज्ञान ऊंचा होना चाहिए। ज्ञान ऊंचा होगा तो कर्म भी ऊंचा होगा, और ज्ञान ऊंचा होगा तो भावना भी ऊंची होगी। ए ठीक रखो, ज्ञान ऊंचा होना चाहिए। खुद को पहचानो और खुद में ही खुदा अल्लाह वाहेगुरु गौ ईश्वर परमात्मा भगवान, खुद को पहचानो तो योग से रोग तो मिटेगा, योग से खुद की पहचान होगी। फिर अपने देश की शक्ति को पहचानो, अपने देश में कितनी शक्ति है। अपना देश से दुनिया का बस दो तीन देश बड़ा है, बाकी अपने जितना बड़ा देश दुनिया में कोई नहीं है। फिर अपने देश की जनशक्ति, इसका 50 करोड़ हाथ है हमारे पास, इनका ठीक से उपयोग करें, इंडस्ट्री लगाएं। हर एक जिले के अंदर इंडस्ट्रियल पार्क होना चाहिए। देखो कुछ लोगों के पास खेती है, कुछ लोगों के पास फैक्ट्री है, कुछ लोगों के पास नौकरी है, वो तो ठीक है, बाकी लोगों के लिए इंडस्ट्री होनी चाहिए। 50 करोड़ लोगों को हम लोग काम दे सकते हैं और उनसे इतना प्रोडक्शन ले सकते हैं कि हम 100 लाख करोड़ रुपए का हर वर्ष, कितना, 100 लाख करोड़ रुपए का विश्व में निर्यात कर सकते हैं और अपने देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। अपनी जनशक्ति, युवा शक्ति, अपने जल में कितनी शक्ति है। आधा भारत में बाढ़ रहता है, आधा भारत में सूखा। यदि जल का ठीक से प्रयोग करें तो इरिगेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इरिगेशन के लिए सबको वाटर मिलेगा। अभी 50% हमारी लैंड को इरिगेशन का वाटर नहीं मिलता है, सिंचाई का पानी नहीं मिलता, और 50% लोगों को ड्रिंकिंग वाटर ठीक से नहीं मिलता है, पीने का पानी ठीक से नहीं मिलता है। अपने देश के जल में इतनी शक्ति है कि हम 50 लाख करोड़ रुपए का खेती से उत्पादन ले सकते हैं। मैंने पूरा कैलकुलेशन किया है इसका, करीब 50 करोड़ एकड़ जमीन है अपने देश के अंदर। अभी महंगाई बढ़ रहा है, प्याज महंगा हो रहा है, दाल महंगा हो रहा है। दाल कितने रुपए है, 80 से 100 रुपए किलो। प्याज कितना रुपए किलो है, 70-80 है। अच्छा ये 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले से बहुत बड़ा घोटाला है ये महंगाई का। अच्छा हमारे देश में दाल तो उतना ही पैदा हो रहा है, दाल उतना ही हो रहा है जैसे पहले होता था, गन्ना भी उतना ही है, शुगर कैन। गन्ने को क्या बोलते हैं आप लोग, आंख, आंख, इख, इख, इख को आंख बोल दिया, इक्षु इक्षु, और इसका संस्कृत नाम है इक्षु। ये 99% बंगला जो है वो संस्कृत से मिलता है। तो वो गन्ना तो उतना ही बोलता है, इक्षु तो उतना ही बोल रहा है, तो चीनी महंगी क्यों हो गई। वो प्याज तो उतना ही बोता है किसान, मैं तो किसान का बेटा हूं, मुझे तो पता है, वो किसान तो उतना ही प्याज बोता है, फिर महंगा क्यों हो गया। दाल तो उतना ही है, फिर महंगा क्यों हो गया। ये महंगाई का फायदा किसान को भी नहीं मिल रहा है, गरीब मजदूर को भी नहीं मिल रहा है। ए जमाखोर, ए सट्टा बाजार वाले, ए सब वायदा वाले, ये सब इकट्ठा कर लिया सब, और इसमें बड़े बड़े नेता कृषि मंत्रालय से लेकर के और बड़े करप्ट पॉलिटिशियन सब इसमें शामिल है, और कई लाख करोड़ रुपए इन बेईमानों ने जमा कर लिया है। ये तो 2G स्पेक्ट्रम से भी बड़ा घोटाला है, महंगाई का घोटाला। तारकेश्वरवासियों को प्रेरणादायी उद्बोधन देने के पश्चात जननायक स्वामी रामदेव जी चल दिए शेवरा पुल की ओर, जहाँ स्वामी जी को मुकुट व फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। तदुपरांत युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी ने वहां उपस्थित लोगों को आयुर्वेद के गुणों से अवगत कराया। गुरु के प्रति, साधु संत के प्रति पूरे पश्चिम बंगाल में बहुत आस्था है।
दर्शन का अर्थ मात्र गुरु का पाद स्पर्श करना ही नहीं है, दर्शन का अर्थ है आंखों से गुरु को देख लिया तो दर्शन हो गया। दर्शन का अर्थ माथा ठोकना नहीं है, आंखों से गुरु को देख लिया और दिल में रख लिया और गुरु ने जो ज्ञान दिया उसको कान से सुना, उसको दिमाग में रख लिया और जैसा गुरु ने कहा वैसा हाथों से काम किया तो जीवन धन्य हो गया। यह है गुरु का दर्शन। लेकिन ज्ञान ज्ञान के लिए नहीं है, ज्ञान कर्म के लिए है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक गिलोय खाओ, गिलोय को क्या बोलते हैं यहां, गुलंच लता। एक गुलंच लता खाओ और घृत कुमारी पियो, घृतो कुमारी, गुलंच लता और घृतो कुमारी, ये दोनों का सेवन करो तो प्लेटलेट्स अच्छे हो जाते हैं। जो गिलोय का सेवन करेगा उसको कभी भी जिंदगी में टीबी और कैंसर का बीमारी नहीं होगा, उसको कभी भी शुगर और बीपी का बीमारी नहीं होगा। ए लता खाने से सब घर में लगाना। ए गुरु के पास ज्ञान लेने के लिए आया हो, गुरु ज्ञान देगा उससे जीवन में रोग नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा। ए गिलोय, गुरु जो ज्ञान देता है उसको मस्तिष्क में उतारो, फिर उसको कर्म में लाओ और गुरु का दर्शन आंखों से करो, हृदय में बसाओ और हर समय अपना चैनल गुरु के साथ लगा रहना चाहिए। हर समय मन में कोई ना कोई विचार चलता रहता है, जिसकी मन की फ्रीक्वेंसी गुरु के साथ जुड़ी होती है, जिसका मन का चैनल गुरु और भगवान सत्य धर्म शास्त्र के साथ जुड़ा रहता है, उसके जीवन में कभी अशुभ नहीं होता। गुरु ने बोला प्लेटलेट कम हो गया है तो गिलोय पियो और घृत कुमारी खाओ तो बच जाओ। ये मेरे पास ही बेटा बैठा है इधर, इसका नाम है दीपताप। इसका प्लेटलेट हो गया था 5000, कितना 5000। प्लेटलेट यदि कम हो जाए तो आदमी का मृत्यु हो जाता है, मर जाता है। डेंगू से क्यों मरता है इंसान, डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाता है और प्लेटलेट जब कम हो जाता है तो ब्लड लीक करने लगता है पूरी बॉडी में, ब्रेन में, हार्ट में, पूरी बॉडी में ब्लड लीकेज करने लगेगा और आदमी का डेथ हो जाएगा। इस बेटे का प्लेटलेट कम हो गया था, 5000 पर आ गया था। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, अब इसको कोई कह सकता है इसका प्लेटलेट कभी कम था? इसका गाल एकदम चमकता है, अपोलो हॉस्पिटल्स का कोलकाता का रिपोर्ट है, इसका 5000 प्लेटलेट था। उससे भी उतर गया, 4000 सर, और भी नीचे आ गया था, 4000 तक सब खून निकला था, पेशाब में खून निकल, पूरी बॉडी में ब्लड लीकेज हो जाएगा। एक एक इंजेक्शन का दाम तो 90000, एक एक इंजेक्शन 90000 रुपए का लगता है। हाँ, यदि ये गिलोय ये ना करता तो नवंबर, और नवंबर का अब ये आपका रिपोर्ट है 3,42,000 का और एकदम तंदुरुस्त है, नहीं तो इसका जीवन खत्म हो सकता था। ये है जड़ी बूटी का कमाल। कपाल भाती भी करता है, करके बता, उधर मुंह करके बता ना। योगिक जोगिंग, योगिक जोगिंग, फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड, उधर मुंह करके करके बता, फोर्थ है, फिर अरे सातवां और आठवां साइड वाला, नौवां क्रॉस करके, क्रॉस यस, आगे पीछे।